राजस्व मंत्री रामलाल जाट के अजमेर पहुंचने पर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा के साथ अन्य कर्मचारियों ने उनका कलेक्ट्री पर स्वागत किया। इस मौके पर महासंघ के जिलाध्यक्ष कांति कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्व मंत्री के अजमेर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पटवार संघ के कर्मचारी का जबरन तबादला कर दिया गया, जिसके कारण सभी परेशान हैं और इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसे में मंत्री रामलाल जाट को भी ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के शुभ अवसर पर वार्डवासियों को व शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो, लक्ष्मी जी का वास हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। सब दीपावली खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं। मेरा आज दीपावली थी, कल दीपावली है और आज हमने रामलाल जी जो राजस्व मंत्री है वो अजमेर पधारे थे, तो हमने उनका कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर ही हमने उनका उनका स्वागत किया और उनको बुक्का दिया और उनको फूलमालाएँ वगैरह पहनाई और साहब से एक निवेदन भी किया था। हमने एक राजस्व कर्मचारी है हमारा, एक पटवार संघ का, वो हमारा कार्यकर्ता भी है, उसके हमारे ट्रांसफ़र जो उसका अजमेर कलेक्टर साहब ने कर रखा है तो उसको निरस्त कराने के लिए चार जनप्रतिनिधियों ने और राजस्व मंडल के चेयरमैन साहब ने उनके लिए बाकायदा अनुशंसा करी थी और जिला कलेक्टर महोदय से हमने भी निवेदन किया, लेकिन अभी जिला कलेक्टर महोदय पता नहीं क्यों उसके अंदर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, हमें बार बार आश्वासन दे रहे हैं महासंघ वालों को। तो हम चाहते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे उस साथी का एक जो तबादला किया गया है गलत तरीके से उसको निरस्त कर दे और उसके परिवार को एक संबल दे कलेक्टर साहब, यही हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं। आज राजस्व मंत्री जी से भी यही निवेदन किया और उन्होंने कहा मैं अभी जिला कलेक्टर को बोलूँगा, आपका काम अवश्य होगा। कांति कुमार शर्मा, एकीकृत महासंघ अध्यक्ष, अजमेर।